हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो वी विल डू अ पाइथन प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ गिवन टपल ऑफ नंबर्स राइट हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम टपल एलिमेंट्स में से किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करेंगे राइट टपल वैल्यूज़ में से एक वैल्यू को सर्च करेंगे राइट right? तो फर्स्ट आपको क्या करना है टपल को एंटर कराना है तो आपने इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम लोग यूज़र से इनपुट कराएंगे टपल एलिमेंट्स को राइट right? नाउ अब इनपुट जो फंक्शन है वो जो भी डेटा लेता है जो भी इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है ओके okay, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है इनपुट फंक्शन को एनक्लोज किया है इविल फंक्शन में राइट इविल फंक्शन का क्या यूज़ है अगर आप टपल में इंटीजर वैल्यूज़ एंटर हो तो ये इसको uh, कर देगा मतलब उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में फ्लोट एंटर कर रहे हो तो फ्लोट वैल्यूज में स्ट्रिंग एंटर करे तो स्ट्रिंग वैल्यूज में तो बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर डेटा टाइप में ही उसको कन्वर्ट कर देता है फाइन तो ईवेल इज वेरी यूजफुल फंक्शन तो हमने क्या किया इनपुट फंक्शन को एनक्लोज कर दिया ईवेल फंक्शन के अंदर राइट right? अब आपने क्या किया देखो यहाँ पे हम आउटपुट uh, में देखते हैं ये प्रॉम्प्ट आया हमारा और यूजर ने इनपुट कर दिया टपल को टपल हमारा टी वेरिएबल में स्टोर हो गया है राइट नेक्स्ट स्टेप इज वॉट हमें क्या करना है टपल की लेंथ फाइंड आउट करनी है टप, टपल की लेंथ मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो ये आप किसकी हेल्प से फाइंड आउट करोगे लेंथ फंक्शन की हेल्प से आपने लेंथ फंक्शन में टी को टपल नेम को पास किया राइट इससे लेंथ निकल के आ जाएगी कि टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ओके तो ये हमने कहाँ स्टोर कर दिया लेंथ वेरिएबल के अंदर फाइन ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है हमने टपल को फर्स्ट हमने टपल को टपल एलिमेंट्स को एंटर कराया सेकेंड हमने क्या फाइंड आउट किया टपल की लेंथ क्या है अब हमें क्या करना है वो एलिमेंट एंटर कराना है जिसे हम सर्च करना चाहते हैं टपल के अंदर फाइन तो अगेन हम इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं एंटर एलिमेंट टू बी सर्च फोर हम एलिमेंट पूछ रहे हैं यूज़र से कि आपको एलि जो एलिमेंट सर्च करना है वो एंटर करो ओके okay. और उसको हमने इंट फंक्शन से एनक्लोज किया है इनपुट फंक्शन को ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज ही एंटर करा रहे हैं टपल के अंदर तो हमने इन फंक्शन का यूज कर किया है ईविल का भी हम यूज़ कर सकते थे फाइन तो वो वैल्यू हमारी कहाँ जा, जाके स्टोर हो जाएगी एलिमेंट वेरिएबल के अंदर फाइन ओके तो फर्स्ट हमने टपल को एंटर uh, करा लिया टपल की लेंथ हम जान चुके हैं और हमने वो एलिमेंट भी एंटर करा लिया यूजर से जो हमें क्या करना है टपल के अंदर सर्च करना है ठीक है अब टपल को को सर्च करने के लिए हमने टपल को क्या करना पड़ेगा ट्रेवर्स करना पड़ेगा टपल्स को ट्रेवर्स करना मतलब उसके एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करना पड़ेगा और ट्रेवर्सिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं लूप की हेल्प से करते हैं फाइन तो यहाँ पे हमने फोर लूप का यूज़ किया है फोर आई इन रेंज जीरो आ, जीरो टू लेंथ अब लेंथ क्या होती है जो लेंथ है यहाँ पे माइनस वन हो जाएगी फ़ाइन क्योंकि ये कहाँ से, से चल रहा है ये ज़ीरो से चल रहा है ओके अगर लेंथ फाइव है तो यहाँ पे फोर आ जाएगा ठीक है ओके बाई बिकॉज वी आर नॉट स्टार्टिंग इट विद वन इंडेक्स वैल्यू वन से स्टार्ट नहीं होती इसलिए हम एंडिंग वैल्यू को माइनस वन करते हैं फाइन तो ये हम, क्योंकि हमारी इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होती है ओके फर्स्ट आइट्रेशन में आई वेरिएबल जीरो इंडेक्स को एक्सेस करेगा जीरो इंडेक्स की जीरो इंडेक्स को कंटेन करेगा ओके okay. तो लूप के अंदर ये एंटर करेगा नाउ यहाँ पे हमने क्या कमांड्स दिए यहाँ पे कमांड्स है इफ एलिमेंट है ठीक है डबल इक्वल टू टी आई ओके टी आई मीन्स टी जीरो टी जीरो मीन्स क्या है जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है फाइन अगर एलिमेंट किसके इक्वल है टी जीरो की वैल्यूज के इक्वल है अभी हमारे एलिमेंट में क्या वैल्यू है टेन हमने हाँ सॉरी टेन को हमने एंटर कराया है ठीक है तो ये कंपेरिजन रहा है क्या टेन किसके एक हाँ, और डबल इक्वल टू किसके लिए होता है कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की वैल्यू से ठीक है तो टी जीरो पर कौन सी वैल्यू है टू तो यहाँ पे टेन का टू से कंपैरिजन होगा फाइन ओके okay. अगर ये दोनों का कंपैरिजन करने पे ये दोनों इक्वल हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स i राइट right? और ये ब्रेक आ जाएगा ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो कमांड तो क्या होगा ये आ, आ, जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ द प्रोग्राम आ जाएगा फाइन ओके okay. और कंप्लीट लूपिंग होने के बाद भी ओके okay? अगर ये नहीं आ, आ, मैचिंग हो पाती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन टपल

इट रीज द लास्ट एलिमेंट और इट फाइंड द एलिमेंट राइट तो यहाँ पे देखो फिर टेन का आपका कंपैरिजन होगा सिक्स के साथ नेक्स्ट लूपिंग जो नेक्स्ट आइटेशन में आपका टेन का कंपैरिजन होगा सिक्स के साथ राइट right? सिक्स के साथ होगा देन देन आई कंटेन करेगा नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू फिर आपका टेन का कंपेरिजन होगा नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू के साथ फाइन ये आपको समझ आ रहा है ठीक है ने पहले जब index को contain किया तो टी जीरो तो पे क्या प्रेजेंट है टू राइट right? फिर आई क्या करेगा वन इंडेक्स लेगा तो टी वन पे हमारा क्या प्रेजेंट है फोर ठीक है फिर टी आई वेरिएबल किसको कंटेन करेगा इंडेक्स uh, टू को uh, एक्सेस करेगा तो इंडेक्स टू पे हमारा क्या है सिक्स राइट right? तो टेन को कंपेयर करेंगे सिक्स के साथ राइट right? फिर टी आई नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू लेगा दैट इज थ्री राइट नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू थ्री है तो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू थ्री पे कौन सी वैल्यू है एट तो टेन को कंपेयर करेंगे एट के साथ फाइन टेन को कंपेयर करेंगे हम ऐट के साथ ओके okay? फिर नेक्स्ट साइड्रेशन चलेगा ओके okay? और आई क्या लेगा फोर इंडेक्स वैल्यू लेगा फोर इंडेक्स वैल्यू लेगा फाइन तो फोर इंडेक्स वैल्यू पे आपको क्या है टेन ओके टेन कंपेयर हो जाएगा अगेन टेन के साथ तो हमें फोर इंडेक्स वैल्यू पर ten क्या है मिल चुका है फाइन तो जैसे ही ये जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा इफ जो स्टेटमेंट है ट्रू होगा तो इसकी इनसाइड की जो कमांड है वो प्रिंट हो जाएगी फाइन जैसे ही लेफ्ट हैंड राइट इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा वैसे ही इफ़ की इन चला जाएगा कंट्रोल और इफ़ के इन हमने दिया है प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई ठीक है एलिमेंट क्या है हमारा टेन ओके okay, और हमें कौन से इंडेक्स पे मिल गया है वो फोर पे मिल गया है फाइन राइट ओके समझ आया और ब्रेक इसलिए लगाया ये प्रिंट करके कंट्रोल सीधा आउट ऑफ द प्रोग्राम चला जाएगा राइट right? और अगर कंप्लीट लूप चलने के बाद भी कोई भी मैचिंग नहीं होती तो हमारा एल्स पार्ट क्या होता एग्जीक्यूट करता और स्टेटमेंट प्रिंट होती एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन टपल लेकिन हमें वो मिल गया इसलिए हमारा इफ की स्टेटमेंट प्रिंट हुई और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और कंट्रोल आ गया आउट ऑफ द लूप और यू कैन से आउट ऑफ द प्रोग्राम फाइन तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया सबसे पहले टपल को एंटर कराया ओके फिर एलिमेंट को एंटर कराया जिसको आपको टपल में सर्च करना है ओके फिर आपने फ़ोर लूप के यूज़ से फोर लूप का यूज़ किया ओके फोर लूप का हमने यूज़ क्यों किया क्योंकि हमें टपल एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करना था और उसको एलिमेंट के साथ कंपेयर कराना था फाइन और जहां पे भी आपको कंपैरिजन मिल गया वहां पे आपने आपका आपने प्रिंट स्टेटमेंट दे दी एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से वो कंट्रोल आपका आउट ऑफ द दूप आ गया फाइन ओके नेक्स्ट प्रोग्राम इज पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन अ टपल ऑफ नंबर्स ओके तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम करें बनाएंगे जिसके अंदर हम पहले टपल को एंटर करेंगे फिर फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट टपल में कितनी बार आया है फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है कितने टाइम्स वो टपल के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट आया है ठीक है तो सबसे पहले फर्स्ट आपको क्या करना है टपल को एंटर कराना है बाई यूजिंग द इनपुट फंक्शन ओके अब हमने क्या किया इनपुट फंक्शन को ईवेल फंक्शन से इनक्लोज किया है और इसका यूज मैं आपको बता चुकी हूँ ईवेल फंक्शन का क्या यूज होता है जो भी वैल्यू आप इनपुट कराओगे इंटीजे वैल्यू कराओगे तो ईवेल उसको इंटीजे में कन्वर्ट कर देगा आप फ्लोट कराओगे तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा ओके अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप वो वैल्यू को इवेल्यूएट करता है राइट right? ओके और इनपुट फंक्शन को को हमने ईवेल में क्यों एन किया क्योंकि इनपुट फंक्शन में यूजर जो भी वैल्यू एंटर करता है इनपुट फंक्शन उसे एज अ स्ट्रिंग एंड लेता है फाइन ओके कन्वर्जन के बाद uh, क्या होगा वो टी में चला जाएगा मतलब जो भी वैल्यू आपने डाली है टपल के अंदर वो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट होगी और यहां पे वो टी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी राइट right? तो देखो यहां पे आप uh, आउटपुट में दे सकते हो एंटर अ टपल यहाँ पे यूजर ने टपल को एंटर करा दिया है फाइन ओके हमने यहाँ पे नंबर टपल है फाइन नेक्स्ट स्टेप क्या है uh, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि टपल की लेंथ क्या है लेंथ मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ओके तो आपने लेंथ फंक्शन का यूज किया और टपल नेम को उसमें पास कर दिया फाइन ओके इससे हमारे पास क्या जाएगा कि टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स कहाँ जाके स्टोर हो गए लेंथ वेरिएबल के अंदर ओके okay, तो फर्स्ट स्टेप आपने टपल को एंटर कराया सेकंड स्टेप आपने ये फाइंड आउट किया कि टपल की लेंथ क्या है थर्ड आपको फाइंड आउट क्या करना है थर्ड आपको वो एलिमेंट फाइंड करना है ठीक है वो एलिमेंट आपको एंटर कराना है जिसकी आप फ्रिक्वेंसी जानना चाहते हो कि वो कितने बार टपल के अंदर आया है ओके okay? तो अगेन आपने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया एंटर एलिमेंट टू बी सर्च फोर ठीक है आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है वो एलिमेंट आप एंटर करो जो आपको क्या करना है जिसकी फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है राइट right? एलिमेंट आ गया आपने उसको इन फंक्शन से एनक्लोज किया है नंबर वैल्यूज ले रहे हो तो आपने इंटीजर यूज कर लिया आप ईवेल भी यूज कर सकते थे ओके okay? तो जो भी आपको एलिमेंट सर्च uh, करना है वो एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा फाइन ओके नेक्स्ट वेरिएबल आपने लिया काउंट काउंट की इनिशियल uh, वैल्यू क्या है जीरो काउंट काउंट करेगा कि कितने बार वो एलिमेंट आया है टपल के अंदर ओके okay? अभी प्रेजेंट उसकी uh, क्या है वैल्यू uh, जीरो है फाइन अब देखो हमने टपल को एंटर कराया अब टपल के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को ये देखने के लिए वो कितनी बार आया हमें क्या करना पड़ेगा टपल के एलिमेंट्स को वन बाय वन ट्रेवर्स करना पड़ेगा मींस एक्सेस करना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे लूप का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने फोर लूप का यूज किया फोर आई इन रेंज जीरो टिल लेंथ माइनस वन ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी जीरो होती है तो हम एंडिंग वैल्यू को ऑलवेज माइनस वन करते हैं फाइन ओके okay, तो आई क्या करेगा पहले जीरो इंडेक्स की वैल्यू जीरो जीरो को को लेगा फाइंड इंडेक्स वैल्यू एक्सेस करेगा ओके okay, आपका कंट्रोल इनसाइड द लूप जाएगा अब यहाँ पे हमने क्या कमांड दिया है इफ एलिमेंट इक्वल टू टी आई टी आई यहाँ पे क्या हो गया टी जीरो टी जीरो मीन्स टू एलिमेंट टू ठीक है टी टपल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में जब आप इंडेक्स वैल्यू देते हैं तो उससे क्या एक्सेस होता है उससे टपल एलिमेंट एक्सेस होता है फाइन तो आपने फर्स्ट कंपैरिजन कर रहे हो कि जो आपने एलिमेंट एंटर कराया हमने टू को एंटर कराया यहाँ पे ठीक है तो टू क्या जो आप टी आई पे जो एलिमेंट है उसके इक्वल है ओके देखो फर्स्ट टाइम तो यस yes, इक्वल है तो यहाँ पे हमारा काउंट में क्या हो जाएगा काउंट इक्वल टू वन दे रखा है हमने ठीक है क्या स्टेटमेंट दिया है अगर है तो क्या हो जाए काउंट प्लस इक्वल टू वन तो ये क्या होगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस फाइन तो देखो फर्स्ट में तो हमें जीरो इंडेक्स पे मिल गया तो अब काउंट की वैल्यू वन हो जाएगी ठीक है काउंट की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगी ओके फाइन नेक्स्ट आईट्रेशन चलेगा ठीक है इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी देन टू इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी ऐसे करके देन थ्री इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी थ्री इंडेक्स पे अगेन इसको मिल जाएगा तो काउंट में जो काउंट की वैल्यू वन थी उसमें फिर से प्लस वन हो जाएगा तो वो हो जाएगा टू राइट राइट समझ आया देन क्या है आगे के इंडेक्स वैल्यूज को क्या करेगा आई वन बाय वन सारे इंडेक्स वैल्यूज को क्या करेगा एक्सेस करेगा और बार बार हम क्या कराएंगे कंपैरिजन कराएंगे फाइन और जितनी बार वो आएगा उतनी बार काउंट में क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम आया प्लस वन फिर यहाँ पे टू इंडेक्स पे आया प्लस वन देन यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा फाइन तो यहाँ पे क्या होगा काउंट में जितनी बार वो आएगा प्लस वन प्लस वन वो करता जाएगा ओके okay. अब नेक्स्ट हमने कमांड क्या दिया ये हमारा जब पूरा फोर लूप क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा राइट right? वो लास्ट एलिमेंट तक को एक्सेस करने के बाद कंपेरिजन हो जाएगा तो हमने क्या कमांड दिया इफ काउंट इक्वल टू इक्वल टू जीरो अगर जो हमारा काउंट है वो उसकी वैल्यू क्या है जीरो के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाए एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट कि एलिमेंट हमें टपल के अंदर मिला ही नहीं ठीक है इन द गिवन टपल राइट एलिमेंट हमें टपल के अंदर मिला ही नहीं लेकिन अगर काउंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे एलिमेंट जो भी आपका एलिमेंट है एलिमेंट हमने क्या एंटर कराया टू ठीक हैज फ्रिक्वेंसी एज हैज फ्रिक्वेंसी एज एज इट एज इट इज प्रिंट होगा काउंट काउंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे काउंट की वैल्यू थ्री है इन गिवन टपल और टपल की वैल्यू आ जाएगी ठीक है सॉरी इन गिवन टपल इन गिवन टपल एज इट इज आ जाएगा ओके okay, समझ में आया सबसे पहले आपने टपल को एंटर कराया ओके okay, उसकी लेंथ को फाइंड आउट किया फिर आपने वो एलिमेंट एंटर कराया जिसकी फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे हमने काउंट वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू जीरो है इनिशियली ओके okay, अब फोर लूप की हेल्प से हमने टपल के एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस किया और यू कैन से ट्रेवेस किया और एवरी uh, एल्ट्रेशन में हमने क्या किया उस एलिमेंट को टपल uh, के एलिमेंट से कंपेयर किया कि क्या वो एलिमेंट uh, uh, क्या इस पर्टिकुलर पोजिशन पे इंडेक्स पोजीशन पे वो एलिमेंट है अगर है तो हमने काउंट में प्लस वन कर दिया जब हमें फर्स्ट टाइम मिला तब हमने काउंट में काउंट uh, की वैल्यू होगी वन सेकंड टाइम मिला तो वन प्लस वन टू होगी और थर्ड टाइम मिला तो वन प्लस वन प्लस वन थ्री होगी फाइन नेक्स्ट आपने इफ स्टेटमेंट की हेल्प से ये प्रिंट कराया अगर काउंट की वैल्यू अभी भी आपकी जीरो है तो क्या प्रिंट कर दो एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन टपल एलिमेंट हमें मिला ही नहीं नहीं और अगर काउंट की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाए एलिमेंट हैज फ्रिक्वेंसी एज काउंट इन द गिवन टपल एलिमेंट की क्या है एलिमेंट हमारा टू है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है काउंट है काउंट काउंट uh, uh, हमारा जो वेरिएबल है वो क्या शो कर रहा है फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है कि कितने बार वो एलिमेंट आया है तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू थ्री है मतलब तीन बार वो एलिमेंट आया है इन द गिवन टपल टपल के अंदर ओके okay? okay children now we will meet in next video with another topic with another useful topic okay till then keep studying and be safe